थोड़ा सा most of them are coming. This is alphabets, so one of the representative bats. Just talk to Simran, I will also tell you. Just have a KVIC J&K portal. JKIC. आपको नहीं है? हमको नहीं है सर, लेकिन हम हमारे पास जो 11 projects हैं, these projects are from Ministry of MSME. Under support. यही बनते हैं? हाँ सर, यही बनते हैं सर. This is, ये जो है 24 knots है सर. 24, this is one of the best craftsmanship है सर. So, every 1 inch में? कितने knots हैं? कितने knots हैं सर? 24 is the highest. So, इसमें हाँ सर. This would be the shortest. हाँ सर. First indigenous set of carpet technology has done some. Some idiot like me is there, I won't understand. No, but you should get some, you know. ये हमारे सर, ये हमारे पूरे इंडिया में इंटरनेशनल बेस्ट क्राफ्ट्समैनशिप. ये हमारी क्लस्टर है. थोड़ा सा सर, ये पैकिंग कहाँ हो कर रहे हैं? ये हमारा यूनिट है सर, कुपवाड़ा से. कहाँ बेचते हो आप? सर मैं कश्मीर में सर बेचता हूँ, दिल्ली में. सर वो जो हमारे क्लस्टर्स हैं, हमारे हनी के चार सर, हनी को हमने एक ट्रस्ट एरिया एक्टिविटी लिया है सर. वी आर एस्टेब्लिशिंग टू क्लस्टर्स हियर, थ्री क्लस्टर्स इन जम्मू. इन जम्मू में सांबा में मास्टर जी भी दिख रहे हो? हाँ सर, हफ्ता सर हफ्ते यहाँ सारी मद्रास में नहीं बनता. ये हमने शीप की सर, ये हमारा रेडीमेड गारमेंट्स के यूनिट सर. ये हमारे जो कश्मीरी लोकल फैब्रिक्स वगैरह बनते हैं ना सर, अब इसके में डिफरेंट डिजाइन वगैरह ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सर, उनको कर रहे हैं. और ये इसमें एम्ब्रॉयडरी सर, ये हमारा एक यूनिट है सर, दिस इज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा सर. सर इनका ये तिल्ला का काम है. इसके अलावा ये सर ड्रैगन. This one is like हजार रुपए तोला, हजार रुपए ये तोले के हिसाब से चलता है. ये यहाँ की सर हमारी, ये हमारी फार्मिंग इंस्टीट्यूशन है. ना ना ना, ये आपके परमानेंट स्टॉल्स हैं क्या? कहीं कर जाते हैं सर. वी मेकिंग खादी भवन इन जम्मू. ना कर दिया ना, बट देखो इनके तो परमानेंट वो सामने वाला पार्क में खादी विलेज इंडस्ट्रीज J&K ने ये एग्जीबिशन लगाया है. ये तो साल भर चलता रहना चाहिए, ऐसे दो तीन बार लगना चाहिए.
आई होप दे गिव सम डिस्काउंट ऑल्सो आई डोंट नो 20% डिस्काउंट ऑन गांधी जयंती. ये यहाँ का जो हाथ का जो कला है वो ज़बरदस्त है, पूरे दुनिया में देश में मशहूर है ये. इसकी अपॉर्चुनिटीज इसको एक्सप्लॉयट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे मेरे मन में तो ये हज़ारों लोग इस पर अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं. और जो बेरोजगारी को हम देखते हैं, उससे अगर लोगों को हटाने, सरकारी नौकरियाँ हमेशा नहीं मिल सकती, कई लोगों के हाथ की कई बार इससे ज़्यादा आमदनी भी हो सकता है. प्रमोट करेंगे शासन इसके पीछे. टूरिज्म सेक्टर बहुत ही काम है, टूरिज्म दिक्कत में है, लेकिन आपने कल अनलॉक निकोर देखा है, फ्लाइट्स और खुल रही हैं. मैं अभी कल देख रहा था श्रीनगर में 30 फ्लाइट्स दिन में उतर रही हैं, बड़ा स्मूथ सिस्टम हो गया है. टूरिस्ट ऑपरेटर्स आ रहे हैं, 5-6 परसों थे, हमने वो क्या फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन भी खोल दिया है. विश्वास है कि इस बार बर्फ में हाउसफुल जाएगा. खादी एग्जीबिशन का जो आज का ये हमने स्टॉल्स लगाए हैं यहाँ पे, बहुत ही बड़ा महत्व रीजन है. 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे पूरे देश में 20% रिबेट पे एग्जीबिशंस लगते हैं, सेल लगती है. काफ़ी टाइम से जम्मू कश्मीर के हालात बंद रहे हैं कोविड की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से, तो किसी तरीके से हमारे जो आर्टिजन्स हैं उनको कहीं मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म मिले, सो शुरुआत हमने यहाँ से की है. कोविड सोशल डिस्टेंसिंग उसकी वजह से यहाँ से शुरू कर रहे हैं, फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम एग्जीबिशंस लगाएंगे, स्टेट लेवल एग्जीबिशन भी. जिस तरीके से अगर आप लोगों को याद हो कि हमने नेशनल एग्जीबिशन यहाँ लगाया था कश्मीर हाट में, और 200 डिफरेंट स्टेट से स्टॉल्स लगे थे, सिर्फ कश्मीर के नहीं थे. पर मेरा मानना ये है कि कश्मीर में इतना हुनर है, इतनी कला है, हर आप मिट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाता है. और अल्लाह ताला के फजल से यहाँ पे खुद से ही आर्टिजन्स बने हुए हैं, किसी ने डिज़ाइन नहीं किया है. शाह हमदान ने जो हमारे यहाँ पे ये कला लाई है, उन्हीं की बदौलत यहाँ पे ये आर्टिजन्स की जो खूबी है, हाथ में हुनर है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं. अपने कश्मीर का आर्ट हम मरने नहीं देना चाहते. बेरोजगारी पूरे मुल्क में बढ़ रही है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बढ़ रही है. जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की तरफ से जो हमारी स्कीम्स हैं, ऑनलाइन पेपरलेस सब्सिडी जो हम देते हैं 35%, उसमें इन हालात में भी जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड नंबर 1 आया है MSME में. उसका मतलब है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान इन स्कीम्स का फ़ायदा ले रहे हैं, अपने यूनिट्स बना रहे हैं. उसमें इंस्टॉल्स में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे. एक मॉड्यूलर किचन सोपोर से है, उन्होंने हमारे यहाँ से PMEGP यूनिट के, तो REGP हमारा एक नया स्कीम है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो पिछले नवंबर हमने लॉन्च किया है. सो नंबर 1 तभी आया है जब बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है. हमने करीब 5 करोड़ से ये स्कीम शुरू की थी. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका बढ़ावा देख के, बढ़ता हुआ काम देख के इसको 30 करोड़ किया है. सो जितना हम यूटिलाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या UT के फंड्स करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे दुगने फंड्स जम्मू कश्मीर में देने को तैयार है. सो हमारी हिम्मत, हौसला अफजाई होनी चाहिए कि हमारे नौजवान सही रास्ते पे जाए, बेरोजगारी को छोड़ के रोजगार की तरफ जाए. KVIB की बहुत बड़ी अचीवमेंट कोविड में रही है कि हर गली, हर नुक्कड़, जो भी दर्जी था हमने उसको काम दिया. डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने मास्क, 13 लाख मास्क बनाए, जो उस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. लोगों को मास्क की ज़रूरत थी और लॉकडाउन में टेलर्स को काम की ज़रूरत थी. उसमें बहुत सारे हमारे खुद के यूनिट होल्डर्स हैं जिन्होंने हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में हमसे लोन लिया हुआ है, सब्सिडी फरहम की है, तो उनको हमने ये 13 लाख उन्हीं लोगों से बनवाया है. हमारे खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड में कम्प्लीटली पेपरलेस, सिर्फ आपके स्मार्टफोन पे आपने अपलोड करना है एंड आप अपनी स्कीम फरहम कर सकते हैं. हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो हैंडीक्राफ्ट्स के मानना है कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करी है, बार बार वो मुतासर हो रहे, आप इस बारे में क्या गवर्नमेंट किस तरह मैं हैंडीक्राफ्ट
शिकायतें हर महकमे में हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकारें चल रही थी तो मुझे लगता है कि सारे महकमे ही डिफंक्ट हो गए थे। सो ये जो नई सरकार है नई पहल कर रही है, हर किसी महकमे को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। हमारे पूरी टीम ने, खादी बोर्ड की टीम ने जब बोर्ड को नंबर वन MSME में लिया है, तो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, बाकी कॉरपोरेशन है वो भी नंबर वन बन सकती हैं। 60% यूनिट्स हैं हैंडीक्राफ्ट्स के। तो आप जो भी हाथ से बनाई हुई चीज है उसको खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड में हम उनको सपोर्ट, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहे हैं।